एक बार फिर पोहरी विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। इससे पहले 2018 और 2020 उपचुनाव में भी त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, जिसमें बसपा को अच्छा जन समर्थन मिला था। एक बार भाजपा तो दूसरी बार कांग्रेस को तीसरे स्थान पर धकेल कर दोनों ही बार दूसरे स्थान पर रही बसपा इस बार भी पूरा जोर लगा रही है। इस बार बसपा को अच्छा समर्थन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने जा रहे पूर्व जनपद अध्यक्ष प्रद्युमन वर्मा ने कांग्रेस से बगावत कर बसपा के टिकट पर चुनावी शंखनाद किया है। तो वहीं धाकड़ समाज बाहुल्य क्षेत्र होने से बसपा को धाकड़ समाज का भी वोट बैंक मिल सकता है, क्योंकि प्रद्युमन वर्मा स्वयं इस समाज से आते हैं और समाज के बीच उनकी छवि स्वच्छ और निर्विवाद है। उनकी जनसंपर्क यात्रा में बड़ा जनसैलाब उमड़ रहा है। युवाओं की फौज प्रद्युमन के साथ कदम ताल कर रहे हैं, तो ग्रामीण बड़े ही भावुकता के साथ बुलडोजर से पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं। इस माहौल को देखते हुए साफ लग रहा है कि निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी के आने से भाजपा और कांग्रेस का सियासी गणित बिगड़ रहा है। कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो अभी आने वाला समय बताएगा, लेकिन बैराड, नरवर, सदनवाड़ा सहित चर्च में भी लगातार जनसंपर्क के दौरान भारी समर्थन मिल रहा है। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय और दिलचस्प है, लेकिन देखना होगा कि साथ चल रही भीड़ वोट में कितना तब्दील होगी। लेकिन इस समर्थन से भाजपा प्रत्याशी गदगद है। उनका साफ तौर पर कहना है कि मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, जनता सही और गलत का आंकलन करती है। पोरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। प्रत्याशी का क्या माहौल है? हमारा प्रत्याशी है प्रथम धाकड़, हम उसी को वोट कराएंगे और अच्छे मतों से जिताएंगे उसको। हाँ, और हमारा पता है अच्छे वोटों से जिताएंगे और अपनी वार्ड से फुल वोटों से जिताएंगे उसको। प्रतन भाई से भाई को क्षेत्र में क्या चल रहा है उनका? हमारे क्षेत्र में प्रतन भाई का चल रहा है 80% चल रहा है हमारा। हाँ, 80% हमारे प्रथम भाई का चल रहा है। आपकी पार्टी का नाम क्या है? BSP। हमारी पार्टी का नाम BSP। हाँ, पार्टी आएगी और BSP बनेगी। BSP जिंदाबाद, जिंदाबाद बनेगी। क्या माहौल चल रहा है? अच्छा चल रहा है साहब, हमारे क्षेत्र बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ, इस बार अंदाजा कि BSP जीतेगी। अच्छा, लगभग आपको कितनी उम्मीद है, कितने वोटों से मतों से जीतेगी? हमारे अंदाज में ये है कि 10,000 वोट, 10-15 वोट से आगे बढ़ेगा। अच्छा, आप क्षेत्र में घूम रहे हो? हाँ, घूम रहे हैं। क्या क्षेत्रवासियों में क्या तैयारियां चल रही हैं? सब लोग लगे अपनी अपनी माँ। अच्छा, लोग लगे। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम दाताराम जाटव है। और आप अपना वोट किस पर डालोगे? हम तो BSP वाले ही हैं 20 साल से। अच्छा, आप तन और मन से लगे हो? तन और मन से। अच्छा, और आपके जो लोग जाटव लोग हैं वो उनका क्या रुझान चल रहा है? सब समाज लगी हमारी, तो हमारे वोट तो जितने 30 से आ रहे हैं तो ज़्यादा नहीं तो 25-27 हज़ार वोट तो मिलने। अच्छा, और अदर समाज का क्या माहौल चल रहा है? ऐसा भी अदर समाज का चल रहा है। और आपका प्रत्याशी कैसा है? हमारा प्रत्याशी बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, सीधा सच्चा आदमी है। उनके पीछे कितनी चल रहा है अंकल? बहुत अच्छा चल रहा। अच्छा, और लगभग कितने वोटों से आप अपने BSP को जिताना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कम से कम 25-30 हज़ार वोटों से आगे निकले। अच्छा, कैसा प्रचार चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा, धुआंधार चल रहा, सभी समाज लगी। आपके प्रत्याशी कौन है? प्रद्युमन भैया हैं। अच्छा, नेता है। अच्छा, हाँ, कम से कम उसी साल 5 साल पहले BSP में 53,000 वोट आए थे, वो अब की इसमें कम से कम उससे 25,000 वोट से जीत होगी उनकी। 25 के क्षेत्र में कैसा क्या रुझान चल रहा है? अच्छा रुझान चल रहा है, बहुत तगड़ा चल रहा है रुझान। सभी का एक मन है, सबका एक मन है, उम्मीद वाले बहुत के हैं, पूरी जाति सभी जाति का, जनता सब भाइयों का एक ही मन चल रहा है। आपने प्रत्याशी का हिसाब से देखा है? चेहरा देख के अपने ईमानदारी से। अच्छा, स्वभाव है। अच्छा।
लोकसभा में बीएसपी अपनी सीट निकाल सकती है? बीएसपी का बहुत अच्छा रुझान चल रहा है और बहुत अच्छी वोटों से जीतेगी जी जी, और जनता का एकदम बहुत अच्छा रुझान बीएसपी का जी जी। और इसके बारे में और क्या बोल सकते हो आप? नए युवा का नेता है, नए युवा भाइयों ने आगे के लिए बढ़ने के लिए युवा नेता को चुना है जी जी। और नए जो अपने नए युवा नेता होंगे तो नया कार्यक्रम करेंगे अच्छी तरह से, तो आगे बढ़ेंगे जी जी। इसलिए नए युवा ने नया नेता चुना है। हमारे प्रद्युम्न भैया जी का बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम हुए, उनमें बहुत तरीके से जनता आई हुई है। लगभग लगभग कितनी जनता चल रही है उनके पीछे? लगभग लगभग 15 से 20 की जनता उनके पीछे चलती है जी जी जी। ना किसी ये पैसे वाले लोग नहीं है कि पैसे दे के लाने, कि मन धन से लोग आते हैं उनकी तरफ। अच्छा, उनके संग अपना पैसा लगा के भी काम कर रहे हैं? हाँ, अपना पैसा लगा के भी काम कर रहे हैं। अच्छा, नहीं है कि वो तो अब युवा और बुजुर्ग लोग उनके मन में बस गए नेताजी जी जी जी। नए नेता है और अच्छे तरीके नेता है। और उनका जो क्षेत्र में जाते हैं वो क्या माहौल है? उनका क्षेत्र में जाते हुए अच्छा माहौल चल रहा है सब जगह, और अच्छी तरह की वोटों से जीत हुई है, सब जातियों का सहयोग मिल रहा है। और लगभग लगभग उनके पीछे कितनी गाड़ी चल रही है रैली में? उनकी गाड़ी तो एक दो आती है, जो अपने युवा आती है ना उनकी गाड़ी लग जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ। भैया आपने कितने गांव में जनसंपर्क किया है अभी तक? 8-10 गांव हो गए हैं, 8-10 गांव बचे हैं। जनता का रुझान आपके प्रति कैसा मिल रहा है आपको? आप उधर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कैसा लग रहा है, बहुत प्रेम मिल रहा है पूरी जनता का। नहीं, वो कहते हैं कि चलेगा हाथी उड़े की दिल, तो वो आपने साबित कर दिया है। रोड़ों पे धूल उड़ रही है बहुत जबरदस्त। मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, मैं बोल रहा हूँ, पहले भी बोला है मैंने, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, जनता चुनाव लड़ रही है। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।